Hello everyone, today I will teach you types of fractions. और ये जो टॉपिक है आपका वो आपकी क्लास सेवन्थ का चैप्टर सेवन्थ का क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर सेकंड है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उससे रिलेटेड टॉपिक है. तो इस सेशन में हम इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. जो मेन जो टाइप है मेन टाइप जो होते हैं फ्रैक्शन के वो थ्री टाइप्स होते हैं आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो उसमें सबसे फर्स्ट जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जो आपको पता है कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपके उसमें टू टर्म्स आपने पढ़ी है, पहले न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपकी न्यूमिनेटर वैल्यू होती है, और जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होती है जो नंबर होता है वो आपका डिनोमिनेटर नंबर होता है. ठीक है, तो इसी से हमें पता लगेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं. तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो न्यूमिनेटर की आपकी वैल्यू होती है वो आपकी छोटी होती है किससे, डिनोमिनेटर से. ठीक है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया है 1/2, है ना, तो जो 1 है आपकी न्यूमिनेटर वैल्यू वो छोटी है और डिनोमिनेटर वैल्यू जो 2 है वो आपकी बड़ी है. तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं आपके वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमिनेटर जो वैल्यू होती है वो आपकी बड़ी होती है किससे, डिनोमिनेटर वैल्यू से बड़ी होती है. किससे बड़ी होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया है आपको क्या 3/2, तो न्यूमिनेटर वैल्यू जो है बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर वैल्यू से. तो ये आपका एग्ज़ाम्पल हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का. क्लियर, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि आपको नाम से ही पता लग पा रहा है कि मिक्स्ड है ना, एक मिक्स नंबर होगा, है ना, टू नंबर्स होंगे जो कि जिसमें एक होगा आपका कंप्लीट होल नंबर. देखो टू इसमें दिया है ना, तो एक कंप्लीट होल नंबर है और साथ में एक फ्रैक्शन है. ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है. ठीक है, तो इस तरह के जो आपके फ्रैक्शन होते हैं वो होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो क्लियर, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका मिक्स्ड नंबर्स होते हैं, एक आपका होल नंबर होता है और एक आपका फ्रैक्शन नंबर होता है. क्लियर, तो नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिखाया है, वही सेम प्रॉपर फ्रैक्शन, द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. एग्जाम्पल्स दिए 3/8, 7/9, है ना, न्यूमिनेटर वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, डिनोमिनेटर से. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द न्यूमिनेटर इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर जो है वो लार्जर है किससे, डिनोमिनेटर से. ठीक है, थर्ड है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, देखो ये जो आपका इसमें यहाँ पे दिया है कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8/12. ठीक है, तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 8/12. अब कैसे है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो बेटा अगर आपका जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 8/12 उसको हम बड़े वाले जो फ्रैक्शन है उसको हम रिड्यूस करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2/4 = 8, 2/6 = 12, 2/2 = 4, 2/3 = 6. तो लास्ट जो आपका फाइनल जो आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया 2/3 में, है ना, सेम एज, है ना, सेम है ना, जिसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो था उस नंबर के, उस फ्रैक्शन के सेम आया बिल्कुल, है ना. तो जो नंबर आपका रिड्यूस होके या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके अपने छोटे वाले फ्रैक्शन के इक्वल आ जाए तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है, तो ये है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, उसके बाद है आपका मिक्स फ्रैक्शन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, है ना, कि एक होल नंबर और एक आपका फ्रैक्शन नंबर. क्लियर, इसके बाद है नेक्स्ट जो टाइप आते हैं आपके वो आते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या है कि व्हेन फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शन के आपके पास सेम डिनोमिनेटर वैल्यू जो है सेम होती हैं वो होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन, और इसके जस्ट अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन में मतलब जिसके डिनोमिनेटर वैल्यू जो है सेम नहीं होती है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 और 4/5,
7 है ना, इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो चेंज है, अलग है, डिफरेंट है, तो ये हैं आपके अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नाउ आई विल कम अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।